वेलकम बैक यूट्यूब स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर कोडर रोहित में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीपी सर्वर के बारे में। एनटीपी सर्वर, जिसका कंप्लीट नेम होता है नेटवर्क टाइम सिस्टम या फिर नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, इसका यूज सभी कंप्यूटर डिवाइसेस में टाइम को अपडेट रखने में इसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ अगर आप डायरेक्टली अगर कंप्यूटर किसी बाहर के आउट ऑफ सर्वर पर रिक्वेस्ट करता है टाइम के लिए, तो वो क्या हार्मफुल वायरस लेके आ सकता है फायरवॉल के थ्रू, क्योंकि फायरवॉल के थ्रू ये बाहर का नेटवर्क होता है, क्योंकि है जबकि एनटीपी हमारे फायरवॉल के अंदर का सिस्टम होता है और ये अंदर का सर्वर होता है, इसलिए सेफ भी होता है। एनटीपी करता क्या है, एनटीपी से जब भी कोई मशीन क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो एनटीपी उसे करंट डेट टाइम और उसको देता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर में आपको एनटीपी इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर इसका एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसको क्रोनी नाम से ये पैकेज आपको मिल जाएगा सेंटोस में। कभी कभी एनटीपी के नाम से भी पैकेज मिल जाता है, तो आप दोनों सर्च कर सकते हैं। तो मैंने यम इंस्टॉल क्रोनी सर्च किया है और यहाँ पर ये देखो पैकेज शो कर रहा है, इसे वाई करके यस दे देंगे परमिशन और ये डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉलेशन कम्प्लीट करेंगे अपनी। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले इसे क्लियर कर लेता हूँ। ओके, कंप्लीट हो गई है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर मैं थोड़ा ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर करता हूँ इसको। अब यहाँ पर हमको यहाँ पे अपनी एक बार अपडेट वाला लगाकर देख लेते हैं, हमारा सिस्टम अपडेट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अपडेट ज़रूर कर लीजिएगा अपना सिस्टम और बैच करके अपडेट्स को चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें एडिटिंग फाइल में जाना है, इसकी जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है vim etc, और यहाँ पे crony.config करके एक फाइल आपको मिलेगी। यहाँ पर अपने डिवाइसेस को आप अलाउ कर सकते हैं इस फाइल के अंदर, और बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं टाइम के लिए। तो यहाँ पे इसका ऑलरेडी एक सर्वर होता है, तो जो रिक्वेस्ट करेगा, आप यहाँ पे सर्वर रिक्वेस्ट के लिए भी देख सकते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको दिख रही होंगी। आपको थोड़ा कलर का इशू आएगा, तो आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर कलर में अगर आपको टेक्स्ट नहीं दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, एक सिंपल सी एक लाइन ऐड करनी है, और वो लाइन रहेगी आपको एक डिवाइस जो होगा अलाउ करना होगा। कोई भी एक लाइन पर जाएंगे अलाउ, और वहाँ पर हमें उस अलाउ में अपना नेटवर्क और सबनेट अलाउ करना है कि आपका नेटवर्क कहाँ, किस रेंज के नेटवर्क को आपको डेट एंड टाइम प्रोवाइड करना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे अलाउ लिखूंगा, और यहाँ पर मेरा नेटवर्क होगा, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, 10.0.0 का नेटवर्क हो सकता है, 5.0.0 का नेटवर्क हो सकता है, या एक्सेट्रा। तो फिलहाल मैं देखिए यहाँ पर मेरे पास दो नेटवर्क मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो इनमें से अगर मैं चाहूँ तो एक नेटवर्क भी रख सकता हूँ, और इसका सबनेट भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ, जैसे 16 देकर 255.255.0.0 जो कि होता है। सो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी जो डिफ़ॉल्ट है वही देता हूँ, और इसे सेव कर देता हूँ फाइल को। अब मेरा 192 के यहाँ पर नेटवर्क पर ये टाइम दे सकेगा। इसकी सर्विसेज को स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले सिस्टम CTL स्टार्ट क्रोनी डी लगा देंगे, डी फॉर डीमन, और इस तरीके से यहाँ पर इसको रीस्टार्ट करेंगे, एनेबल कर देंगे ताकि ये बूट टाइम पर भी ऑटोमेटिकली स्टार्ट रहे। और यहाँ पर अब इसका स्टेटस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर स्टेटस आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टेटस में एक्टिव दिखा रहा है, यानी ये सर्विस रनिंग पर आ गई है। क्विट करते हैं। नेक्स्ट स्टेज अब हमारी रहेगी फायरवॉल में इसको ऐड करना, फायरवॉल और डैश लगा के CMD, और यहाँ पर परमानेंट, और यहाँ पर ऐड सर्विस SERVICE सर्विस इजिकल टू NTP, और इसको ऐड करेंगे, एंटर करेंगे, ठीक है। ये हमारी सर्विस रहेगी, एंटर करेंगे, ये ऑलरेडी ऐड है और सक्सेस भी लिखा रहा है, इसलिए ये अलर्ट शो कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी एडेड और यहाँ पर सक्सेस है, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी फायरवॉल में सर्विस ऐड कर लेंगे। नाउ अब हमें नेक्स्ट जो स्टेप हम करने वाले हैं वह होगी कि फायरवॉल को रिलोड भी कर लें, है ना। तो यहाँ पर मैं रिलोड, ठीक है, फायर एक बार क्रोनी जो है क्रोनी क्लाइंट्स के अंदर हम देख लेते हैं क्लाइंट्स को, इसकी कमांड होगी क्रोनिक क्लाइंट्स, और यहाँ पर देखिए क्रोनिक क्लाइंट्स कमांड के का यूज़ करके आप यहाँ पर क्लाइंट्स को देख सकते हैं, कौन कौन से क्लाइंट्स अभी आपके NTP सर्वर से कनेक्टेड हैं और नेटवर्क और टाइम आपके सर्वर से ले रहे हैं। और crony करके सोर्सेस एक कमांड और आपको मिलेगी,
सोर्सेस कर देंगे, ठीक है, इसे क्रोनिक सोर्सेस करेंगे। तो ये सोर्स शो कर रहा है, देखिए यहाँ पे क्रोनिक सोर्स, हमने जैसे ही क्लिक किया ये इसने हमें सोर्स बता दिया कि कहाँ से हम टाइम अपडेट कर रहा है ये सर्वर अपना खुद का। तो ये रहा उसका आईपी और डोमेन नेम भी यहाँ पर शो कर रहा है। इस तरीके से हम क्रोनिक सोर्सेस का यूज़ कर सकते हैं और क्रोनिक क्लाइंट्स का, और यहाँ पर हमें क्लाइंट शो करता है, ठीक है, क्रोनिक क्लाइंट्स, ठीक है। इस तरीके से क्रोनिक सोर्सेज और क्रोनिक क्लाइंट्स का हम यूज़ करके देख सकते हैं डिवाइसेस को। अब विंडोज़ में कैसे कन्फिगर करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। विंडोज़ में कन्फिगर करने के लिए, अब मान लीजिए आपका कोई विंडोज़ इंटरफेस है और वहाँ पर आपको कन्फिगर करना है क्लाइंट्स को, तो क्लाइंट्स को कन्फिगर करने के लिए सबसे सिंपली आपको कंट्रोल पैनल पर जाना है। कंट्रोल पैनल पर जाने के बाद यहाँ पर आपको डेट और टाइम दिखेगा, डेट और टाइम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको इंटरनेट टाइम पर जाना है। सबसे लास्ट वाला ऑप्शन मिलेगा आपको इंटरनेट टाइम, इसको क्लोज करते हैं, ठीक है, ओके। और यहाँ पर चेंज सेटिंग्स में, यहाँ पर आपको देना है अपने सर्वर की आईपी, ठीक है। यहाँ पर चेंज सेटिंग के अंदर आपको यहाँ पर सर्वर की आईपी देना है। आपको मैं बता दूँ ये आईपी आपको कहाँ पर मिलेगी, अपने एनटीपी सर्वर के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर आपको अगर आईपी देखना है तो आईपी स्पेस देकर ए या आईपी आईएफ कॉन्फ़िग करके भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये रही हमारे सर्वर की आईपी, और उस आईपी को यहाँ पर पुट कर देना है। देन अपडेट टाइम करेंगे तो ये यहाँ पर शाइन कर लेगा उस सर्वर के थ्रू अपने टाइम को, एंड ओके करके हम सेट कर देंगे। अब जरा हमारे सर्वर के ऊपर आके देखते हैं कि क्या इसने इस क्लाइंट को कैच किया है या नहीं किया है। तो हम यहाँ पर क्रोनिक क्लाइंट्स कमांड्स का यूज़ करेंगे जिससे कि हम देख पाएंगे कि क्लाइंट्स अभी भी कनेक्टेड हैं या नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे हमारा एक क्लाइंट ऐड हो गया है जिसने अभी जस्ट हमें हमसे टाइमिंग के लिए रिक्वेस्ट किया था। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम हमसे क्लाइंट्स भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं और क्लाइंट्स के आईपीस हमारे एनटीपी सर्वर के ऊपर भी आ जाते हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं। सो अब एक और काम करते हैं हम यहाँ पर, सोर्सेस हमने देख ही लिया था, क्रोनिक सोर्सेस है ना, सोर्स ये वही के वही हैं, सोर्सेस चेंज होंगे नहीं जहाँ तक है। अगर आप चाहें तो इसमें सोर्सेस भी ऐड कर सकते हैं, मतलब कहाँ से आप टाइम अपडेट करना चाहते हैं। बट ये है कि फायरवॉल से प्रोटेक्ट करता है तो ये इसलिए ये काफ़ी सेफ रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।